तो अपन ने क्या किया, अपन सबसे पहले साइड प्रोफाइल बनाना देखेंगे तो क्या, ताकि वो आसान रहे अपन को। एक सर्कल ड्रॉ किया तुमने, ठीक है, तुमने सर्कल के यहाँ बेस पे एक लाइन ड्रॉ करी, तुमने सर्कल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, फिर इसके सेंटर पे एक और लाइन ड्रॉ करो। अब यहाँ पे एक कर्व बनाओ, तो नॉस्ट्रिल बना लो पहले, ये जो नाक का छेद रहता है, कहाँ बनाना है तुम्हें, ये जो लेवल है इस सर्किल के लेवल, इससे थोड़ा ऊपर बनाना। तो कैसे बनाओगे, एक इस तरीके का ट्रायंगल शेप बना लो, ठीक है, पीछे जाते जाते पतला इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप बनाया, इसे शेड कर लो, अंदर से फिल कर दो। फिर नॉस्ट्रल तुम्हें जैसे ये वाला कर्व बनाया था, सेम तरीके से तुम्हें यहां से सर्किल के बेस से कहां बनाना है, इन दोनों का जंक्शन खींचो, ये पॉइंट आ रहा ना, इस लाइन और इस लाइन, जैसा अपन ने यहां किया था, यहां ज्वाइन कर सकते हो या इससे पहले ही छोड़ दो ऐसे, ठीक है, इधर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, इस लाइन पे जैसी टच हो कर दो। ये हिस्सा जो है, जो अपना पहले बनाया था बेस अपन ने, अगर तुमने ज्यादा डार्क बना लिया हो तो उसे इरेज कर लेना। फिर अब ये वाला आता है, तो यहाँ पे थोड़ा बेस ऐसे फ्लैट रखो यहाँ पे, फिर धीरे धीरे उसे कर्व करना चालू करो। अब तुम्हें पूरा यहाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं ले जानी, थोड़ा कर्व अंदर लाओ ऐसे, इस लाइन से अंदर, यहां से कर्व दो ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये तुम्हारी एक बेसिक साइड नोज बनती है, ठीक है। अब तुम इसमें क्या डिफरेंशिएट डिफर कर सकते हो, अलग अलग बनाने के लिए, किसी की नोज लंबी रहती है तो तुम ये जो कर्व है इसे आगे तक ले जा सकते हो, ठीक है, किसी की थोड़ी फ्लैट रहती है या पॉइंटेड रहती है तो तुम इसे पॉइंटेड रख सकते हो, जैसे अभी अपन ये देखेंगे जिसकी सामने से फ्लैट रहती है, तो पहले ये बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद अपन ये वाले शेप की देखेंगे। तो इतना बनाओ, दे दिया, तो उससे क्या हुआ, अपन को ये मिला, अपने यहाँ इसके बेस लाइन खींची इस तरीके से, थोड़ा एक बॉक्स ही शेप बना लो कि तुम्हारी जो नोज है वो इस बॉक्स के अंदर आएगी, एक लाइन आएगी अब तुम्हारी इसके सेंटर से, देखो जहां ये, यहां से नहीं, जिसका डायमीटर टच करता है इसको, जहां से वहां से एक, तो ये अपना बेसिक शेप होगा, ओके। फिर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल वही मैं जो बोला, एक इस तरीके से इस बेस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके, इससे थोड़ा ऊपर रखना, एक ट्रायंगल शेप बना लो ऐसे और इसे डार्क फिल कर दो। तो ये अपना बेसिक शेप होता है जो अपन ने यहाँ देखा था, बस फर्क है इन दोनों में, ये सर्कल था नॉस्ट्रिल वाला, ये ओवल है, तो अपन को ये बनाना है। तो इसमें क्या है, देखो नॉस्ट्रिल तो ऐसे कर्व करके यहाँ ज्वाइन कर दो तुम, फिर अब जो आगे की टिप आती है उसे तो लाइन से रखना, तुम ऐसे कर्व नहीं बनाओगे, तुम ऐसे लाइंस बनाओगे ऐसे, ठीक है। अपन को अगर सी शेप बनाना होता है तो अपन सी को कैसे बना सकते, ये लाइन, यही लाइंस में अगर दोबारा यहां ट्रेस कर दूं ऐसे, ये सी शेप बना, क्योंकि अगर मैं सारे एजेस को कर्व कर देता हूं तो वो सी शेप बनता है, तो अपन इस तरीके से ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से नीचे आई, मेरे को स्टेप्स फॉलो करना साथ में, ध्यान से नीचे आया, ये बेस बना अपने 3x4, तो इसमें यही होता है कि इसमें जो बेस रहता है ऐसे फ्लैट रहता है फिर ऊपर बढ़ता है, जबकि यहां से ये वाला हिस्सा बेस है, ये थोड़ा उठा हुआ रहता है। तो कैसे, फिर ये ऊपर गया, सर्किल को एक बॉक्स ही शेप में फॉलो करो लाइन से, फिर सामने टी है, फिर यहां से लेके यहां तक इस तरीके से, तो ये अपनी नोज का एक वो बनता है। अब तुम्हें से बस एक कर्व ऊपर की तरफ जाना है, तो ये अपनी नोज बन जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका था, अपन ने सर्कल में पूरा कर्व डालने की जो अपन लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास कर रहा है, लास्ट इसमें कर लिया, उसकी जगह अपन ने क्या किया, यहाँ पे बॉक्सी शेप दे दिया एक, ये लाइन जा रही, फिर यहाँ ये है, ये आगे बढ़ रहा, तो इस तरीके से अपन ने एक नोज बना दिया। चाहो तो इसको भी तुम, इस वाले कर्व को भी तुम कर्व की जगह वो कर सकते हो, लेकिन एक बेसिक आइडिया ये रहता है अपना साइफाई का। तो देखो भाई, पेंसिल को स्ट्रोक की प्रैक्टिस करने दिया था,
तो जो बेस है पहले ही नीचे वाला, ये तो पूरा जो है इस इतने हिस्से को छोड़ के बाकी सब जो है पास 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 वर्टिकल स्ट्रोक्स में भर दो। स्ट्रोक्स जो है वो पास पास लगाना, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर भी कर दो, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, ऐसे इतने ही रखना। ये होता है अपना, ठीक है। फिर एक लाइन, हल्की सी लाइन आएगी, ठीक है, बहुत हल्के से यहाँ लाइन ड्रॉ करो, यहां से भी वर्टिकली ऐसे करना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से अपन अपनी एक डायरेक्शन फिल कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक बीच में शेप बनाया। यूजुअली ये जो हाइलाइट्स आते हैं ना चेहरे पे, शाइन आती है, तो नोज इस साइड एंगल से इधर पे शाइन मारेगी, ठीक है। तो अब अपन को डार्क करना है, डार्क कहाँ होते हैं, नीचे। तो मैंने डार्क के लिए बताया था, या तो डार्क स्ट्रोक्स लगा दो, या तो डार्क स्ट्रोक्स लगा दो, ओके। वरना क्या करो, बगल में कोई डायरेक्शन पकड़ो, लेट्स से ऊपर वाली डायरेक्शन, ये जो कर्व है यहाँ पे किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो तुम्हें पूरा फिल नहीं करना है, तुमने इस तरीके से कर दिया, तुम्हें यहाँ टिप पे डार्क चाहिए, मैं बता रहा हूँ एक तरीके से, रुको। तुम्हें डार्क चाहिए, या तो तुम डायगनल पकड़ लो या हॉरिजॉन्टल कर लो। लेट्स से मुझे नीचे डार्क टू लाइट चाहिए, मुझे डार्क टू लाइट ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बेस से डार्क स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल उठाना चालू करूंगा, थोड़े प्रेशर, और ऊपर जाते जाते ये लाइट हो गए और गायब हो गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ टिप पे भी चाहिए, तो मेरे हॉरिजॉन्टल भी हो गए, वर्टिकल भी हो गए। तो एक और काम कर सकते हो, डायगनल ऐड कर दो, या फिर हॉरिजॉन्टल थोड़े डार्क स्ट्रोक्स ऐड कर दो, तो डार्क टू लाइट अपन को टोन मिल गया। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि डार्क स्ट्रोक्स से चालू किया, ऊपर आते आते लाइट हुए, वो स्ट्रोक्स गायब हो गए। अपन ने हॉरिजॉन्टल कर रखे थे, हॉरिजॉन्टल के ऊपर दोबारा हॉरिजॉन्टल डार्क करो, और लाइट आते आते लाइट हुए और गायब हो गए। इस तरीके से अपन को ये जो डार्क एल शेप चाहिए था, ये वाला टिप के लिए, वो मिल गया। अब कुछ ज्यादा बचता नहीं है, सराउंडिंग में करा जिस हिसाब से कल अपन ने किए थे, और ये अपना हो गया। अगर तुम्हें नॉस्ट्रल के नीचे, जैसे ये है, नॉस्ट्रल के नीचे यूजुअली डार्क रहता, तो तुम एक डायगनल एंगल भी दे सकते हो, लेकिन भरना नहीं पूरा। इस तरीके से अपन अपनी जो नोज है उसे हैचिंग, ठीक है, सिंपल सा एक बेसिक है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं कि बहुत अलग अलग डायरेक्शन में भरना है। अभी अपन एक सिंपल डायरेक्शन में भर रहे हैं कि वर्टिकल से करो, तो मैं जहां डार्क टू लाइट चाहिए वहां हॉरिजॉन्टल यूज कर लो, ओके। तो तुम देख सकते हो कैसा हिसाब चल रहा है अपना। इसमें जो बेस है ऐसा, ये वाला बेस जो यहाँ था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे नॉस्ट्रल दिख रही है अपन को। तो बेसिकली क्या करना है, सर्कल बनाना है, फिर इससे थोड़ा छोटा सर्कल बनाना है, ऐसे। ये ओवल शेप ही हो गया एक तरीके से, सर्कल नहीं रखने की जगह एक ओवल शेप रखो। फिर यहां से थोड़ा स्लांट में ले जाते हुए, अभी जो अपन बना रहे थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, थोड़े ये थोड़े स्लांट में बनाओ इस तरीके से, और यहां पे भी एक हल्का सा छोटा सा सर्कल दो। तो ये अपनी 3/4 की जो नोज रहती है उसका बेसिक शेप होता है। अब ये अपन क्या करते थे लास्ट में, कि इसके लेवल से ऊपर बनाएंगे नॉस्ट्रल, जबकि इसमें जो अपन नॉस्ट्रल बना रहे हैं, कोई भी एंगल है जो नॉस्ट्रल का एकदम टिप के बहुत पास मत लाओ, ओके, ये थोड़ा गैप रखो, यहाँ पे थोड़ा गैप रखो, और ये अपन ने बना दिया। इसके थोड़े नीचे से कर्व चालू करो, अभी अपन क्या कर रहे थे, सीधी बात इसको ही कर्व कर दे रहे थे, अब इसके थोड़े नीचे से कर्व वैसे चालू करो, ठीक है, ये बना। फिर एक यू शेप लाओ यहाँ पे, एक हल्का सा कर्व। अब जो बेस आता है, ये जो सर्किल है जहां पे टच कर रहा है, इसको ऐसे ले जाओ, ये हुआ अपना बेस, जो अभी बेस अपन यहां बना रहे थे वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया शेप। ये होगी टिप तुम्हारी, थोड़ी फ्लैट सी टिप है। फिर ये आता है तुम्हारा कर्व, कह रहा स्ट्रेट लाइन।
अब तुम्हें एक हल्का सा कर्व बनाना है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं, कोई लंबा सा मत ले जाना, ठीक है? बहुत ऐसे तुम्हें पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा अपन ने सर्कल बनाया था छोटा सा, तुम्हें बस क्या करना, हल्का सा एक इस पे भी ऐसे नॉस्ट्रल बना देनी है, ठीक है? तो ये अपनी 3/4 नोज हो जाती है, जब जिसमें एक नॉस्ट्रल यहाँ और एक नॉस्ट्रल इस साइड रहती है, जो अपन की हिडन रहती है, ठीक है? तो ये बन जाता है अपन से साइड प्रोफाइल। तो ये बनाना बहुत आसानी रहता है, क्योंकि अपन को ज्यादा कुछ नहीं, इसमें थोड़ा टिल्ट करके एक और नॉस्ट्रल ऐड करनी होती है, ठीक है? तो बनाओ इतना। अब देखो इसमें अपन एक हिसाब बनाओ कि लाइक एक एरिया बना लो इस तरीके से, एक पेंटागन या हेक्सागन टाइप, कि यहाँ पे अपनी हाइलाइट्स रहेंगी, ये हिस्से में कोई हैचिंग नहीं होगी, ठीक है? और यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा गैप रखना इस तरीके से, और यहाँ पे टिप के पास यहाँ पे। ये अपन डिफाइन कर दिया एरिया, और इस तरीके से ये तो हाई हल्की सी पॉइंट लाइटली ड्रॉ करना है, ये लाइन, ये वाली लाइन लाइटली ड्रॉ करना, 1 मिनट, ये वाली लाइन लाइटली ड्रॉ करना, तो देखो बेस का तुम्हें क्लियर है। अपन इसमें फिर से वही वर्टिकल वाला हिसाब करेंगे, तो वर्टिकल कर, पास पास लगाओ स्ट्रोक्स वर्टिकल, जैसे तुम इस सरफेस के बाहर एरिया को टच करो, बस इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले इसके नीचे वाले भरेंगे अपन, ठीक है? जैसे ये बीच में गैप है तो इसे थोड़ा ऊपर कर दो, फिर से नीचे आ गए अपन, पास पास करते हुए बस ये फिल। फिर ये वाला एक ऊपर वाले एरिया पे आते हैं, तो यहाँ पे भी वर्टिकल करो, ठीक है? ये करते करते ये एरिया पे आए, इधर नॉस्ट्रल की जा रही, यहाँ पे भी इस पे ऐसे वर्टिकली करते करते पीछे की तरफ ले गए अपन। ये वाले वे इस पे क्रॉस हैचिंग कर दो, दो डायगनल्स की, क्योंकि ये डार्क एरिया रहेगा अपना, तो इस तरीके से ये डार्क हो गया, ठीक है? अब जो साइड प्रोफाइल थी उसमें क्या बताया था, नीचे का हिस्सा डार्क होना चाहिए, ये टिप हिस्सा थोड़ा डार्क चाहिए, तो क्या करो, ऐसे बेस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल करना स्टार्ट करो, नीचे डार्क, अभी थोड़ा लाइट हुआ, ऊपर आते आते गायब हो गए, अभी टिप पे चाहिए तो टिप पे डायगनल कर लो, यहाँ पे डायगनल ऐसे डार्क किए, ऊपर आते आते ऐसे लाइट हो गए। नॉस्ट्रल के नीचे थोड़ा ज्यादा डार्क रहता है, तो नॉस्ट्रल के नीचे अपन ऐसे छोड़ सकते हैं कि डायगनल्स पे, यहाँ पे थोड़ा कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो इस तरीके से अपना हो जाता है, जो मैंने बताया था कि सराउंडिंग में ऐसे सरफेसेस पे करते हैं अपन, तो ये कर लो, ओके? तो इस तरीके से अपनी जो 3/4 रहती है उसकी भी हैचिंग हो जाती है, बहुत सिमिलर रहती है अपनी जो साइड प्रोफाइल रहती है उससे, ओके? बस तुम्हें यहाँ पे दो जगह छोड़ने होते हैं, और एक ही डायरेक्शन से भी कर सकते हो, तुम्हें मैंने बता भी चुका हूँ फ्रंट प्रोफाइल में कि तुम एक साइड, कोई भी एक साइड पकड़ लो, उसी की डायरेक्शन में भी कर सकते हो, अलग अलग तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बेसिक बिगिनर्स के लिए वर्टिकली स्टार्ट करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है।